बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन विद दुआ। जी आज हम बना रहे हैं किचन विद दुआ में चिकन पॉप्स। तो चिकन पॉप्स के लिए मैंने हाफ के जी चिकन लिया है। चिकन को मैंने इस तरीके से क्यूब्स में काट लिया है, ये देखें, साफ करके इस तरीके से आपने काट लेना है जी। उसमें जो मसाले जाएंगे, सबसे पहले हम लोग डालेंगे इसमें, जाएगी रेड चिल्ली 1 टीस्पून डालेंगे। इसके बाद थोड़ी सी हम लोग हल्दी डालेंगे, 1/2 टीस्पून से भी कम है। उसके बाद थोड़ा सा गरम मसाला जाएगा। इसके बाद काली मिर्च जाएगी 1/2 टीस्पून, पपरिका पाउडर जाएगा 1/2 टीस्पून जी। तो इसमें लहसुन पाउडर जाएगा 1 टीस्पून, सॉल्ट डालेंगे हम लोग 1/2 टीस्पून जी। तो इसमें 1/2 कप पानी डालेंगे। अब इसे मिक्स करेंगे। इस तरीके से मिक्स करेंगे इसको, अच्छी तरह से मिक्स करके तो इसको हम 2 आवर्स के लिए फ्रिज में रखेंगे, रेफ्रिजरेटर में जी। तो हमने मैदा लिया है, इतना सा मैदा लिया है, इसमें मैं कॉर्नफ्लोर डालूंगी, मिक्स करेंगे इससे भी। पपरिका पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून, लहसुन का पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून, अदरक पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून, सॉल्ट डालेंगे 1/2 टीस्पून जी। तो इसको मिक्स करेंगे जी। तो हमारा चिकन मैरिनेट हो चुका है, अब इसे हम फ्राई करेंगे। पहले मैं इसको फ्लावर में डालूंगी इस तरीके से, क्यूब्स की शक्ल में हमने काट लिया था। इस तरीके से ये देखें, अच्छी तरह से आपने फ्लावर लगाना है इसको। एक दफा मैंने फ्लावर में डाला, अब पानी में डिप करूंगी ठंडे पानी में, और ये निकाल के इस तरह दोबारा से हम लोग डिप करेंगे ऐसे, इस तरीके से। फिर मैं ये इस तरह डालूंगी, ये देखें। जी तो जो मैंने पहले डाले थे वो पहले पक चुके, कुछ अभी कलर नहीं आया उनका, वो भी पक रहे हैं। जैसे ही वो ब्राउन होते हैं फिर मैं वो भी निकालती हूँ जी। तो ये हमारी रेसिपी रेडी हो चुकी है, KFC स्टाइल में बनाई है चिकन पॉप्स। बहुत ही मज़े के बने हैं, बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिए घर में, बच्चों को भी बना के दें। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।